हेलो दोस्तों, रेनॉल्ट की लॉजी गाड़ी है और इसका अपने को फ्रंट का व्हील बेयरिंग रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे चेंज करना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए, ये मैंने खोला हुआ है इसका फ्रंट हब। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टायर को लूज कर लेना है, जैक लगा के स्टैंड लगा के टायर को खोल लेना है। टायर खोलने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि एक्सल का बोल्ट जो है लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आपको ये देखिए एबीएस सेंसर है, ये एबीएस सेंसर खोल के पहला साइड में कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कैलिपर है, ब्रेक का कैलिपर, ये कैलिपर के दोनों बोल्ट खोल के इसको साइड में निकाल के रख देना है। उसके बाद आपको आना है ब्रेक डिस्क पे, ब्रेक डिस्क के दो बोल्ट है, एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों बोल्ट खोल के इसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आ जाना है आपको स्टीयरिंग के आउटर पे, स्टीयरिंग आउटर बॉल जॉइंट बोलते हैं इसको, इसके ये जो नट है इसको पहले लूज कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है, ये देखिए हब है और यहाँ पे लगता है वो ये पोजिशन पे लगता है। तो लूज जब कर लोगे तो उसको हथौड़ी से यहाँ पे इंपैक्ट करना है, जब ये लगा रहता है तो वो लूज हो जाएगा और निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉकअप के दोनों बोल्ट खोल देने हैं, दोनों बोल्ट खोल के निकाल देना है। ये आपका कैंची है जिसको लोअर आर्म बोलते हैं, लोअर आर्म में एक बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसका पोजीशन ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ रहता है, बोल्ट निकाल लेना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपैक्ट करना है या फिर कोई चीज़ डाल के आप वहाँ से दबा दोगे तो भी ये नीचे आ जाएगा और आपको हब जो है निकल जाएगा। तो सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।